guys, we finally left for Rishikesh and at the moment we are at Raipur. We are going through the Raipur road and then we'll reach, it's almost 7:30 now and we'll approximately reach there by 9 or 9:30. If everything goes well, we'll reach till 9:30. So let's see how the journey goes and yeah, enjoy the ride. अब हम ऋषिकेश से निकल गए टूवर्ड्स केदारनाथ. लेट्स सी पहले कहाँ रुकते हैं. देयर इज नो पॉइंट शोइंग कि पूरा रास्ता, अगर जहाँ पे ऐसे कुछ रोड ही रोड है जहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल आएगा मैं दिखा दूंगा. बाकी जेट में कचरा आ गया मेरे को लग रहा है इसका. जेट में कचरा आ गया ये तो हो रहा, जेट में कचरा आ गया मैं बोल रहा ना. ब्रेक में नहीं, उसके उसमें कचरा आ गया जेट में मेन वाले. तो फाइनली देवप्रयाग पहुंच गए. बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ गया था और गाड़ी बंद हो गई थी. तो फिर उसी टाइम वहीं पे पापा और मैंने मिलके गाड़ी खोली, कार्बोरेटर साफ किया, तब जाके कहीं थोड़ा सा प्रोग्रेस बढ़ी. वरना बहुत मुश्किल हो गई थी गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब शुरू होने से पहले ही ट्रिप ख़त्म हो चुकी है. और गाड़ी की कंडीशन अगर मैं दिखाऊँ तो पूरी गंदी हो रखी है गाड़ी. बट अल्टीमेटली गाड़ी मतलब सही करके देवप्रयाग तक पहुंच गए. और फोटो डालूंगा मैं भी, एक फोटो एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखो पहले. तो हे गाइस, जस्ट टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन. तो ये देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, एक बिल्कुल साफ़ थी, नाम मेरे को अभी कंफर्म पता नहीं, मैं बताता हूँ कुछ के तौर से. तो
बहुत ही, अभी तक तो हेक्टिक रहा थोड़ा सा जब तक कार्बोरेटर साफ़ नहीं हो, बट उसके बाद मतलब जब गाड़ी बिल्कुल सही चलने लगी तो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब देखते हैं आगे ट्रिप कैसी रहती है, अभी तक तो बहुत ही बढ़िया थी। तो अब हम देवप्रयाग से निकल रहे हैं, अब हम धारी देवी जा रहे हैं। और यार पता है रास्ते में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, नॉर्मल पहाड़ों वाला रास्ता है, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ और बोर हो जाओगे फालतू में, मैं बोर बनाना नहीं चाह रहा हूँ इसको। तो दोनों थी, एक अलकनंदा एक भागीरथी, तो मैं बोर बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो भागीरथी का कलर बिल्कुल साफ सुथरा, अलकनंदा का काला हो गया। मेरी कमर दर्द हो रही है। वैसे पहाड़ों पे आके कितना अच्छा लगता है ना यार। सूफी इज डूइंग 60, ऑलमोस्ट अराउंड 60 70। आवाज़ ऐसा लग रहा गुर्रारी होगी भाई साहब। यार मैंने पता है वैसे ना अंडर एस्टिमेट करके चल रहा था, बट जान है लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और मैं भी कर ही रहा था, तो बट लेकिन जान है भाई गाड़ी में बहुत है यार। तुम एक बार बताओ 100 cc से एक्सपेक्ट, 110 cc है ज़्यादा, उससे एक्सपेक्ट भी क्या करते हो? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही खतरनाक सा पिकअप होगा, लो एंड इतना पेपी ना भी हो, लेकिन इसका हाई एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मिड रेंज भी ठीक ही है लेकिन हाई एंड ज़्यादा सही है। सो हेयर वी आर, ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है श्रीनगर। केदारनाथ अभी भी 125 है यहाँ से, आज नहीं जाएंगे हम केदारनाथ, केदारनाथ हम कल जाएंगे। अभी हमें श्रीनगर में और यहाँ पे से आई गेस धारी देवी अभी भी 13 किलोमीटर है यहाँ से, श्रीनगर पहुँच गए। मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अब गड्ढे इतने थे रास्ते ही ऐसा था, मैं क्या बोलूँ। और इधर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यार, देखो ये पूरा अलकनंदा रिवर है और ये पुल है, पूरा लोहे का पुल था, पहले बीच में यहाँ पे पिलर नहीं थे, तो हुआ क्या कि वो जो पुल था वो बीच में से नीचे हो गया, उसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी, उसके बाद उन्होंने उस पुल में पिलर डाले। और एक मैं अगर बताऊं तो वो जो सामने वॉल दिख रही है, ये यहाँ पे ये दीवार, यहाँ पे डैम बन रहा है।